हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूल इन्फो 1232 पर। जैसे कि आपने ट्रेलर पहले ही देख लिया होगा, ट्रेलर को देखने से आपको आइडिया आ गया होगा कि आज कितने सारे टूल्स हम लोगों को लेके आए हैं। सबसे जो महत्व का टूल्स है वो ये हमारा मकीटा का कोर्डलेस 10 mm का ड्रिल का कोर्डलेस ड्रिल है। अब ये जो हमारे ज्यादातर टूल है इसमें 50% जो टूल है वो रोटरी जो ड्रिल आते हैं उसमें भी चलते हैं, और ये जो हमारा नॉर्मल सा जो एक ड्रिल है जो कॉर्डलेस है, नॉर्मल तो नहीं कह सकते मगर कॉर्डलेस है, ये डबल बैटरी वाला ड्रिल है। इसके अंदर हम ये सारे बीट्स आपको एक बार लगा के बताएंगे और इसका क्या क्या उपयोग है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आप ये पहले मैं आपको डिटेल में दे दूं कि ये हमारा 6 पीस का एक ब्लेड है और कटर है जिससे आप प्लास्टिक के पाइप वगैरह काट सकते हैं, और ये भी हमारा एक लकड़े के काम का लिए है, लकड़े को छीलना उसके अंदर मोल्डिंग वगैरह करना उसके लिए है, ये भी उसके लिए है। ये हमारे स्क्रू के अंदर मेटल वगैरह के अंदर ग्रूव्स को बड़े करने के लिए है, और ये वाला जो एक पूरा सेट है ये पॉलिश वगैरह के लिए पूरा एक सेट है जिसके अंदर 3 इंची का और 2 इंची और 3 इंची का पूरी प्लेट दी हुई है, इसके अंदर ये पॉलिश वगैरह लग जाएगा 40, 100, 180 नंबर। हाँ, ये 3 नंबर के इसके अंदर आपके ब्रश भी मिल जाएंगे, और ये सारे बीड्स हमारे छोटे छोटे काम के लिए मेटल वगैरह के अंदर कार्विंग के अंदर इसको बहुत ही उपयोगी होते हैं। मैं आपको खोल के भी बता देता हूँ, एक ये वाला देख लीजिए, ये सारे बीड्स है, ये मैं आपको लकड़े के अंदर एक बार यूज करके भी बताऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। और ये हमारे पास पाने वगैरह है, ये सबसे बड़ा पाना है, एक इससे भी बड़ा एक पाना है, मैं वो आपको खोल के बता देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये बहुत ही बड़ा पाना है, और आगे और भी डिटेल मैं आपको दूंगा। ये भी रोटरी का आपका सेट मिल जाएगा आपको 10 पीस का तो, और ये खास करके हमारा स्टेप ड्रिल बीड आपको मिल जाएगा अलग अलग साइज के अंदर, ये आपको 40 तक जाएगा, 32 तक जाएगा, ये आपका 20 तक का आपका बीड है, स्टेप बीड है। तो ये सारे का मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बता दूंगा, इसका भी मैं आपको एक बार खोल के बता दूं। ये भी बहुत ही माइक्रो है, सारे माइक्रो है, देखिए देख सकते हैं आप, सारे माइक्रो है, आपको आइडिया आ जाएगा माइक्रो है ये। तो ये सारे बीड्स को मैं आपको एक एक बार लगा के बता दूंगा, और ये एक बड़े वाले भी है हमारे पास लकड़े वगैरह के अंदर काटने के लिए, ऑल्सो है इसका, जो हमारे घरों के अंदर नाइट लच वगैरह जो फिट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि वो ड्रिल मशीन से गलत तरीके से फिट करते हैं और वो सही से होल पड़ नहीं पाता। और ये जो ऑल्सो है ये लकड़े में भी यूज होगा और मेटल में भी यूज होगा, इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे देख सकते हैं, 1, 2, 3, 55 mm, और ये सबसे छोटा वाला जो है ये हमारे पास है तकरीबन कितने एमएम है, ये 20 mm है हमारे पास, ये भी हमारा एक ऑल्सो ही है। तो ये सारे प्रोडक्ट मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ और यूज करके भी मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, लाइक का बटन दबाएंगे और रेड बटन तो जरूर दबाएंगे। ये सारे प्रोडक्ट आपको किंग टूल सूरत के ऊपर मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट है, जो सारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे हम, वो इस ड्रिल तो हमारे पास बहुत है मगर ये क्या है, सबसे कॉम्पैक्ट और सबसे रिलायबल ड्रिल है। बैटरी यहाँ पे दे दी गई है 12 वोल्ट पे 16 वोल्ट की बैटरी है ये, और मैक्सिमम टॉर्क इसका 25 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है, और ये चक्की जो कैपेसिटी है 0.8 से लेके 10 एमएम तक की इसकी चक्की कैपेसिटी है, और चार्जिंग टाइम इसका 60 मिनट है। तो बहुत ही बढ़िया मशीन है ये। पहले तो मैंने ड्रिल मशीन बाहर निकाल लिया है, अब मैं बॉक्स को अनबॉक्सिंग करके आपको बता देता हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। बहुत ही बढ़िया एक पेटी है जहां पे मकूटा लिखा हुआ है। बॉक्स के अंदर आपको यूजर मेन्यू मिल जाएगा ड्रिल का, और ये आपको एक एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाएगी, लिखा हुआ है यहाँ पर 12 वॉट मैक्स, दो बैटरी है, बैटरी बदलना भी बहुत आसान है, देख सकते हैं ये यहाँ पे बैटरी निकल गई और ये वाली बैटरी मैंने इसके अंदर लगा दी है। तो दो बैटरी आपको मिल जाएगी, एक चार्जर मिल जाएगा, चार्जर भी बहुत आसानी से यूज करना है आपको, बस ऐसे करके चार्जर लगा देना है और ये प्लग इन कर देना है। यहाँ पर लाइट बताएगी, ग्रीन मतलब आपका चार्जिंग हो गया है, रेड मतलब आपका चार्जिंग हो रहा है, कंप्लीट एक ही लाइट के अंदर आपका दो काम हो जाएगा, आपका टेम्परेचर प्रोटेक्शन, बैटरी प्रोटेक्शन सब ये लाइट के अंदर ही आपको शो करेगा। अगर आपका ओवरचार्ज हो रहा है तो रेड वाला ब्लिंक करेगा, तो आपको समझ जानेगा कि आपका चार्जर के अंदर ओवरचार्ज हो जाए, वो आपको निकाल देना है।
तो फटाफट हम ये बैटरी को इसको बॉक्स को साइड पर रखते हैं और यहां पर हम ड्रिल के फीचर्स वगैरह आपको बता देते हैं। रिवर्स फॉरवर्ड के साथ है, ये बैटरी के परसेंटेज है, ग्रीन मतलब फुल, ऑरेंज मतलब मीडियम और रेड मतलब बिल्कुल आपकी बैटरी खत्म हो गई है। बैटरी के आगे आपको एलईडी मिल जाएगी, अंधेरे में वगैरह में अगर आपको काम करना हो देखेंगे आप, बहुत ही बढ़िया इसका परफॉर्मेंस है। रिवर्स फॉरवर्ड का टूल भी है यहाँ पर, ये रिवर्स फॉरवर्ड सेंटर में रखेंगे तो ऑफ हो जाएगा, लॉक हो जाएगा ये, आप इसको ऐसे करके दबा के रखेंगे तभी ये चालू होगा। एडजस्टेबल स्पीड भी है। ये देखो एकदम धीरे स्पीड पर मैं चला रहा हूँ, मैं जितना पांच 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 और पांच। और इसके अंदर और एक भी फीचर है, ऊपर यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, अब मैं इसको 1 नंबर पे करूंगा तो और ये धीरे हो जाएगा, छोटा काम करेगा। देखिए पावर इसमें कम जाएगा और ये सेकंड नंबर पे आ गया, सेकंड नंबर पे ये फुल स्पीड पे चलेगा, 1 नंबर पे कम स्पीड में चलेगा। अगर आपको छोटे ये बारीक वाले बीट लगाने हैं, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स पूछते हैं कि नंबर किस चीज़ के लिए, इसके पहले हमने बहुत से वीडियो बना रखे हैं उसमें भी ये व्यूवर्स पूछते हैं कि नंबर किस लिए है, तो मैं आज आपको एक बार इसको बता देता हूँ। पहले इसको 1 पे कर लेता हूँ, 1 पे करने के बाद मैं आपको एक बार इसको मैंने कंप्लीट 0 पे कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसको पकड़ के घुमाऊँगा ये कट 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 बोल रहा है, ये जो आवाज़ है ये इसको स्क्रू फिट करने के लिए है। अगर आपको छोटा वाला स्क्रू है और उसमें कम ताकत लगानी है तो आपको ये वाला 1 पे रखना है, अगर आपको ताकत बढ़ानी है। देखिए मैं डायरेक्ट इसको 13 पे कर दूंगा, अब आप देखेंगे हाथ मोड़ देता है, इतनी ताकत लग रही है, टॉर्क बढ़ जाएगा, इसका टॉर्क बढ़ जाएगा, ये टॉर्क बढ़ाने का इसका ऊपर का मीटर है। अब मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा 25 पे, जैसे बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है इसका 25 Nm का टॉर्क है, अब ये पूरा 25 Nm का टॉर्क लगाएगा और मैं इसको पकड़ भी नहीं पाऊंगा, देख सकते आप, नहीं रुकेगा ही नहीं, फुल ताकत में तो ये रुकेगा ही नहीं, मैं हाथ से इसको पकड़ नहीं पाऊंगा। उसके बाद इसको आप इसको और एक बार घुमाएंगे तो ये हैमर मोड पे चला जाएगा, जैसे ही आप इसको ये करेंगे ये हैमर मोड पे चला जाएगा, देखिए ये अब हैमर मोड पे आ चुका है, तो सारे काम इसमें हो जाएंगे। छोटा सा ड्रिल है, घर में भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं, चाबी की भी जरूरत नहीं है, ये हाथ से ही आपको इसको चक को खोल बंद कर सकते हैं, देख सकते हैं हाथ से ही सब काम हो जाएगा। चलिए अब फटाफट हमारा पहले तो 100 ब्लेड को हम अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक 100 ब्लेड है, छोटा छोटा काम इससे हो पाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें अभी 1, 2, 3, 4 और 5 मेरे पास है, 100 ब्लेड है और ये रहा उसका बीड। फटाफट इसको खोलते हैं और इसको हम लगाते हैं। आप DIY के अंदर घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये खास करके तो जो हमारे प्लम्बर भाई है जो छोटा मोटा काम करते हैं लकड़े का, जहाँ पर हमारा हाथ नहीं घुस पाता है वहाँ पर आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने इसको लगा दिया है और ये मैं इसके अंदर इसको अभी फिट करने वाला हूँ, संभाल के मेरे हाथ में लगे नहीं, सेफ्टी का आप लोग भी ख्याल रखिएगा भाई, सेफ्टी फर्स्ट है बस। तो दोस्तों मैंने इसको लगा लिया है, ये हमारी ब्लेड है। अब इससे क्या कर सकते हैं, आप पाइप वगैरह भी काट सकते हैं, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ भी काट सकते हैं और आप इसको लकड़ा भी काट सकते हैं। अभी मैं सबसे पहले शुरुआत में आपको एक प्लास्टिक का डब्बा काट के बताता हूँ कैसे ये काम करता है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार इसको बीच में से छूटा भी कर देते हैं तो पूरे डब्बे को इसने छूटा कर दिया है, हाफ में डिवाइड कर दिया है, तो बहुत अच्छे से काम किया है ड्रिल मशीन ने। अब इसके अंदर मुझे एक पतरे का भी जो बॉक्स था वो पतरे का भी बॉक्स मैं आपको काट के बता देता हूँ मैं फटाफट, जो भी काम करना है, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, देख सकते हैं इसके पहले भी हमने एक हॉल गिराया हुआ है। अब मैं साइड पे डब्बे को पूरा काट के बता देता हूँ मैं आपको, देखिए अंदर तक चला गया ये, हाथ संभालना भाई,
बहुत ही बढ़िया काम किया है इसने, देखिए पूरे पत्रे की तो धज्जियाँ उड़ा दी है इसने। छोटी सी ब्लेड है, दिखने में छोटी है, मगर बहुत ही बढ़िया काम किया है इसने। स्टॉप। बहुत ही बढ़िया काम किया है इसने। चलिए फटाफट हम दूसरे बीड की तरफ जाते हैं। इसको खोल के रखना भी बहुत आसान है। ये भी आपको किंग टूल सूरत पे मिल जाएगा, 12, 16 और 19। खास करके ये किस चीज़ में काम आता है कि जो स्क्रू वगैरह होते हैं उसको फिनिशिंग से फर्नीचर के अंदर या मेटल के अंदर आपको अगर डालना है तो उसके अंदर आपको बहुत ही उपयोगी रहेगा ये। अब ये चक सिस्टम नहीं है उसके लिए इसको बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। अब क्या करना है, जैसे कि पहले यहाँ पे हॉल किया हुआ है तो उसको मुझे ऊपर का सिरा जो स्क्रू का बड़ा होता है उसको अंदर तक घुसाने के लिए मुझे सिर्फ इसको देख सकते हो गया, बस इतना ही करना है आपको। बहुत बढ़िया, देख सकते हैं आप। मैं और एक आपको करके बता देता हूँ, बस इतना सा करना है। ये आपका स्क्रू अंदर से चला जाएगा, ऊपर से आप उसको कवर कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हमने। हाँ ये वही है 19 नंबर। मैं आपको एक छोटा वाला भी करके बता देता हूँ, मैं सबसे छोटा वाला है। चलिए वाह, कितनी बढ़िया तरीके से इसने कर दिया, एक झटके में काम कर देगा ये। और वैसे भी अगर सादा भी आपको यूज करना है देख सकते हैं आप, कंप्लीट पूरा खड्डा गिरा दिया इसने, खड्डा गिरा दिया इसने। ओके, बढ़िया टूल है ये भी, आपको किंग टूल सूरत पे मिल जाएगा। निकालना और रखना बहुत ही आसान है। उसके बाद हम देखेंगे आपको ये अलग अलग बीड्स मिल जाएंगे। सबसे बड़े वाला बीड्स है, इसके अंदर भी हमारे पास बहुत बड़े बड़े बीड है देख सकते हैं आप। और ये बीड के अंदर खास बात ये है कि जो पीछे का जो इसका सिरा आता है ये 13 mm में आता है। अगर आपके पास 13 mm का कोई सा भी आपके पास ड्रिल मशीन है तो ये 13 mm के ड्रिल मशीन में आपको लग जाएगा। अभी मैं ये वाले ब्रीड के अंदर आपको लगा के नहीं बता सकता क्योंकि ये जो मशीन है ये 10 mm का मशीन है, मगर ये जो जितने भी ब्रीड के पीछे का सिरा है ये सब 13 mm का है। तो इसके अंदर हमारे पास 40 mm तक का ये जो पाना है, ये सबसे बड़ा पाना है, इससे 2 गुना बड़ा आपको पाना मिल जाएगा किंग टूल सूरत के अंदर। क्योंकि ये जो पीछे का हिस्सा है ये लेट वाले के पास कटवाना पड़ता है, जो काम करते हैं उनको पता होगा, मगर हमारे यहाँ ये हार्डनर किया हुआ CNC कटिंग वाला पाना आपको मिल जाएगा। तो ये भी बहुत ही बढ़िया टूल है। और ये सारे अटैचमेंट देख सकते हैं आप, ये भी सब माइक्रो वाले अटैचमेंट है छोटा मोटा काम करने के लिए। एक ये अटैचमेंट भी है, एक ये वाला अटैचमेंट भी, मैं आपको एक बार पूरा खोल के बता देता हूँ मैं कैसे काम करेगा, आप फिर बोलेंगे आपने बताया था आपने मगर करके नहीं बताया। ये देखिए ये बेसिकली क्या काम होता है, पहले मैं आपको इसको लगा दूं। ये लकड़े को ग्रूस करने का काम करता है, लकड़े को छीलने का काम करता है डिजाइन के हिसाब से। ये देखिए ऐसे, देखिए ऐसे, लकड़ा छीलने का काम करता है, लकड़े के अंदर ग्रास पूरा बहुत ही बढ़िया आपको ये काम देगा घिसने के लिए। ये आपको लकड़े को घिसने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए पूरा काम देगा आपको। तो बहुत ही बढ़िया मैंने आपको टूल बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।
तो ये सारे प्रोडक्ट हम लोगों ऐसे ही आपके लिए लेते आएंगे, हम लोगों एक एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाएंगे जिसके अंदर ड्रिल के अंदर ड्रिल भी आपके पूरी रेंज लाएंगे और उसके अंदर जितने भी बीड लगेंगे वो हम आपको बताएंगे। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा ग्राइंडर, तो एक ग्राइंडर भी लाएंगे, उसमें भी हम 10 ग्राइंडर लेके आएंगे और उसके अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा बीड लगा सकते हैं आप वो भी सब आपको बताएंगे। ऐसे ही हम लोगों एक पूरी सीरीज चालू करने वाले, तो चैनल पर बने रहिए। चलिए,